बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 29 मार्च को खेला जाएगा, जिनके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में मजीद बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि 4 से 5 में अहम तब्दीलियां करूंगा पाकिस्तान टीम में, और बड़े बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी थी। उनका बदला पाकिस्तान में लेंगे बाबर आजम। दोनों ने मजीद बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, चल के आपको बताते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को T20 और वनडे सीरीज़ में बीट करे, तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तब्दीलियां अगर आपको कहें कि कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तानी स्क्वाड में हुई हैं, तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम में हसन अली नहीं होंगे, उसकी जगह पर जो है वह मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, शाहनवाज दानी होंगे और हैदर अली भी नहीं होंगे, उनकी जगह पर अब्दुल्ला शफीक होंगे। उसके अलावा भी अगर मोहम्मद आमिर की बात करें, तो मोहम्मद आमिर पर सोच विचार जारी है, अभी कंफर्म नहीं है। शुएब मलिक को भी शामिल नहीं किया, अब सोचे जा रहा है शुएब मलिक को भी शामिल करेंगे। हारिस रऊफ टीम में मौजूद होंगे, उसके अलावा शाहीन अफरीदी, हसन अली होंगे।